organizer Steve Amethyst tonight. Dr. Marlene अभी ये व्लॉग में काफ़ी दिन बाद शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली होली के दिन के बाद से मतलब मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, और आप सबको जहाँ तक आपको मालूम पड़ ही गया रहेगा कि मेरे मामा हॉस्पिटलाइज हो गए, का एक्सीडेंट हो गया था होली वाले दिन। तो एक्चुअली मेरे 3-4 दिन हॉस्पिटल में ही थे, तो तब मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं की। पर अभी ये अच्छा है कि वो अच्छे से घर पर आ गए, एकदम सही है, और रिकवरी भी उनकी मतलब ये बहुत ही फास्ट हुई। एक्चुअली उनका ये शोल्डर ये टूट गया था, और सर पे पीछे मतलब ये चोट आई थी। तो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ गए हैं, एकदम ठीक है। और उसके बाद मैं आ गया यहाँ लोनावला भाई के पास। अब भाई एक दिन पहले ही आ गए थे, और मैं एक दिन बाद में आया था, जैसे आपने मेरे भाई के ब्लॉग में देखा रहेगा। तो अभी पहले एक दो दिन आके मैंने एकदम रिलैक्स किया, और अभी मैंने फिर से ब्लॉग बनाना चालू किया है। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या करेंगे। तो अभी हो गई है सुबह, ये हमारा नाश्ता पोहा चाय, और बाहर स्विमिंग पूल में सब लोग मजे कर रहे हैं। तांगे साइड हो गए लगता है। और ये रहा हमारा विला जहाँ हम रुके हैं। ऊपर से व्यू दे रहा हूँ, और नीचे से आप देख ही चुके होंगे। चलो अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी और धूप बहुत तेज है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल लोगों को ये मिथ है हमें सनस्क्रीन सिर्फ समर में यूज करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट सनस्क्रीन एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो हम इग्नोर कर देते हैं हम अपने डेली रूटीन में, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सनस्क्रीन हमें 365 डेज यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें सिर्फ टैनिंग से ही नहीं बल्कि UVA और UVB रेज से भी बचाती है। मैं यूज करता हूँ वाव स्किन साइंस की सनस्क्रीन SPF 55, हायर SPF मतलब ज्यादा सनरेज से प्रोटेक्शन, और इसमें SPF 35 भी आती है। अगर आप मोस्टली बाहर रहते हैं या डायरेक्ट सन एक्सपोजर में रहते हैं, तो यू कैन प्रीफर SPF 55, ये आपको पूरे दिन सन से प्रोटेक्ट करती है, और इवन इसको आप हर 2 घंटे में भी रीअप्लाई कर सकते हो। चलिए अब इसको मैं यूज करता हूँ। ये आपको अपने एक्सपोज्ड एरिया में अप्लाई करनी है, नेक आर्म्स हैंड फेस, और इवन आप लेग्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये सनस्क्रीन आपके स्किन में इजीली अब्सॉर्ब हो जाती है बिना व्हाइट कास्ट छोड़े, और आपके स्किन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड का काम करती है। इसकी खास बात ये है, ये आपके स्किन पे बिल्कुल स्टिकी फील नहीं होता, और ये काफी लाइट वेटेड भी है, और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फेस पर कुछ लगाया भी है। इसमें है रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, जो रिच है विटामिन सी में, जो नेचुरल सन ब्लॉकर का काम करती है, और इसमें है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट जो एजिंग के साइंस को डिमिनिश करने में हेल्प करता है, एंड ये एवोकाडो ऑयल से रिच है जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है एंड प्रोटेक्ट करता है स्किन टैनिंग से। वैसे भी वाव के सारे प्रोडक्ट्स हार्श केमिकल फ्री होते हैं, जैसे सल्फेट पैराबेन सिलिकॉन मिनरल ऑयल, एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं ANKIT20 फॉर 20% ऑफ एट buywow.in। वाव ने हैशटैग वाव ग्रीन हैंड्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें आपको वाव की वेबसाइट से ऑर्डर करने पर मिलेगा एक सीड पाउच ऑन एवरी ऑर्डर, और इसको प्लांट करके आप बन सकते हैं एक प्राउड प्लांट पेरेंट। ज्वाइन द इनिशिएटिव नाउ एंड बी वाव नेचुरली। क्या कर रहे हो? छोटे भाई से बात कर रहे, ये नहा कर आया घंटा वहाँ पर। रेहान जाके आ गया स्विमिंग पूल में वापस, मैं शाम को जाऊंगा, पर चलोगे? फिरोज भाई आपकी वीडियो देखी मैंने, आपकी एक्टिंग की जर्नी की अच्छी है। अच्छी है हाँ, अभी जो आपने अभी अपलोड की है कल, थैंक यू आपका। और ये आ गया हमारा खाना, ये आलू मेथी की सब्जी, ये है भिंडी राइस दाल, और स्पेशल गुलाब जामुन, और ये वाली भिंडी फ्राई मेरी फेवरेट हो गई आजकल। अभी खाना पीना खा लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ आसपास में एक पॉइंट है सनसेट पॉइंट है, तो अभी सनसेट तो देखने नहीं मिलेगा। अभी बज रहे हैं 3:30,
और वहाँ से पूरा मेरे एक वैली व्यू आता है तो वो अभी आपको दिखाता हूँ छुटके। और ये शाम के वक्त सब बैठे हैं चाय पीने और भजिया खाने और थोड़ी बहुत मस्ती चल रही है यहाँ पर। भाई पे प्रैंक हो गया था। अभी हो गई है सुबह, आज है संडे, बस निकलने की तैयारी है। फिरोज भाई 5-6 दिन की ट्रिप कर ली अच्छे से। अब चलो घर पे, अब घर पे जाके मेरे को 3 दिन बाद निकलना है राजस्थान करौली माता के मंदिर, फिर वहाँ से मथुरा भी जाना है, मथुरा में 56 गोप है, तो अब जाके बस उधर ही की तैयारी करनी है गाँव जाने की। और इस वक्त पूरा घर जा रहा है मेरा, तो बहुत मजा आने वाला है। बस चलिए फटाफट पैकिंग कर लेते हैं और निकलते हैं घर के लिए। घर आ चुके थे और मैं तैयार होके कुछ खा पी के जा रहा हूँ गोरेगांव, क्योंकि जो लेंस और ट्राईपॉड रेंट किया था उधर शूट करने के लिए तो अभी वापस देने जा रहा हूँ। अगर ये कल जाऊँगा तो एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे, तो आज वहाँ पर देना ज़रूरी है। और गोरेगांव में एक ज़रूरी काम भी है तो वो भी मैं ये ख़त्म कर लूँगा। बस अभी 2 मिनट में ट्रेन आने वाली है, चलते फटाफट। आ गया वो गोरेगांव से घर, मैं बता नहीं सकता लोनावला में 5-6 दिन रहा, मेरे को इतनी गर्मी नहीं लगी जितनी आज यहाँ आके मेरे को मिली ट्रेन में। गया ट्रेन में भी इतनी गर्मी, बाप रे ऑटो में भी इतनी गर्मी, मैं आके एकदम ऐसा लेट गया बस आराम करने। और इसको देखो आप लोग, नायरा की कल बर्थडे है, क्या चाहिए? कुछ नहीं दूंगा, देख मैंने अर्नब को, देख मैं देख अब मैंने अर्नब को इतने सारे गिफ्ट दिए थे और ते को भी मैंने 1 साल पहले दिए थे, तो अब इस साल में कुछ नहीं दे रहा हूँ, चलेगा? सब देंगे, मामी मेरे को एक बैग ला के देंगी, पूजा मामी मेरे को एक पर्स दे रही है, हाँ, मुस्कान मौसी मेरे को एक कलर दे रही है। अरे तो सब लोग तो देखो ये कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना, तुम मैं क्यों दूँ? हाँ देख ना रही, सब लोग तेरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मैं तेरे को एक छोटा सा पाचारी डेरी मिल्क। ₹5 करोड़ वाली, ओके डन, ठीक है तेरे को 5 रुपए दूंगा खाली में, ओके okay? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, चलो आगे चल। मम्मी ने बोला पागल बनी जा, आज तू पागल लग रहा है। हैप्पी बर्थडे नायरा, बाल कौन दिए? ये पागल का बर्थडे। लगा दिया। अरे तू तो खा, अरे ब्लॉक ब्लॉक में। हो गई है सुबह, मैं उठ गया हूँ, नायरा का बर्थडे है आज,
और ऊपर से वो अभी जब घर पे आएगी तो वो मेरे को कहीं ना कहीं लेके जाएगी, क्योंकि उसको मेरे से गिफ्ट चाहिए बोलती है आपसे, तो मैं महंगा वाला गिफ्ट लूंगी सबसे, लेकिन ज्यादा भी महंगा उसको ये दिलाऊंगा तो नहीं मैं एक्चुअली, मतलब उसको ये कुछ भी दो वो एक दो दिन में मतलब ये खराब ही कर देती है। तो अभी मैं उठाऊ और हाँ, नाना को चाहिए स्कूटी, वो भी इलेक्ट्रिक वाली, पेट्रोल वाली मतलब नहीं चाहिए, तो वो बहुत दिन से सोच रहे थे कि लेनी है। तो अभी हम लोग बस मैं नाश्ता करूँगा और फिर मैं, नाना और मामा जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी देखने 2-3 शोरूम में, फिर जो पसंद आती है उसको हम बुक कर देंगे और फिर नवरात्रि वाले दिन हम उसकी डिलीवरी ले लेंगे। आ चुका हूँ मैं घर और ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।